बॉडी अनवांटेड हेयर रिमूवल, वो भी नेचुरल तरीके से, बहुत ही आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से। तो अगर आप भी नेचुरल तरीके से परमानेंटली अपने बॉडी अनवांटेड हेयर को हटाना चाहते हैं, अपने शरीर के अनचाहे बालों को जड़ से ही ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही असरदार एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने बॉडी अनवांटेड हेयर को जड़ से ही ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से ही हटा सकते हैं, बिना वैक्सिंग, बिना रेजर, बिना कोई लेज़र ट्रीटमेंट, बिना कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाए, आप घर बैठे ही जड़ से ही बॉडी अनवांटेड हेयर को ख़त्म कर सकते हैं। और इस तरीके को कोई भी एज वाला यूज़ कर सकता है, चाहे आप टीन एज में हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर टीन एज भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड का सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी रहेगा, ये बॉडी अनवांटेड हेयर को तो रिमूव करने का काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन से काफ़ी डेड लेयर जो भी है वो सारी निकल जाएगी, स्किन आपकी सुपर सॉफ्ट, स्मूथ और सपल हो जाएगी, काफ़ी ब्राइट हो जाएगी। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो, मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ स्किन केयर, हेयर केयर और ब्यूटी टिप्स के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ। देखना चाहते हो, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रहेगी तो लाइक भी ज़रूर करते जाना। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इस मेथड को। परमानेंट बॉडी हेयर रिमूवल मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पैन, उसमें आपको डालना है आधा गिलास पानी। मैं कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ ले रही हूँ इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से आप देखिएगा। तो मैंने आधा गिलास पानी लिया है, तो नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हाफ़ लेमन। तो यहाँ पे मैं हाफ़ लेमन का जूस इसमें ऐड कर दूँगी, अगर इसके बीज इसमें चले जाते हैं तो उसको आप निकाल देना, वरना ये अच्छे से आपका प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे वो है शुगर, मतलब चीनी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच आपको चीनी ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो एक वैक्स की तरीके से काम करेगा। जब हम पानी में शुगर और लेमन को मिक्स करते हैं तो होममेड वैक्स प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको वैक्स प्रिपेयर करनी है। लेकिन इसमें हम वैक्स नहीं बना रहे, हम हेयर रिमूवल, एक बॉडी हेयर रिमूवल मास्क बना रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर दूंगी वो है थोड़ी सी टर्मरिक। देखिए, अगर कस्तूरी हल्दी है तभी आप यूज़ करना, किचन हल्दी मत लेना क्योंकि वो कलर ही छोड़ती है आपके फेस के ऊपर। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर देना। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम के ऊपर, गैस के ऊपर आपको रखना है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक जो आपने मिक्सचर लिया वो आधा नहीं रह जाता। जब अच्छे से जो उबलने लगेगा, ये थोड़ा सा आपकी क्वांटिटी आप देखोगे कि कम हो गई है, ये स्टिकी फॉर्म में आ गया। जब आप इसको टच करोगे तो थोड़ा स्टिकी आपको लगेगा क्योंकि इसमें हमने शुगर ऐड की है, तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक मास्क प्रिपेयर करेंगे, बॉडी हेयर रिमूवल मास्क। उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया वो डाला है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे आटा, जिसकी रोटियाँ बनती है, गरम गरम हम रोटियाँ खाते हैं ना, वही आपको गेहूं का आटा चाहिए होगा। आटे की जगह पे आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पेस्ट आपका पतला लग रहा है तो थोड़ा सा उसको गाढ़ा करने के लिए इसमें थोड़ा सा आटा मैं और ऐड कर रही हूँ। बस इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो ये आपका हेयर रिमूवल मास्क बनके बिल्कुल प्रिपेयर है। ये जो हमने घोल प्रिपेयर किया है ना, इसमें शुगर ऐड किया है जो कि स्टिकी होती है, गेहूँ का आटा ऐड किया है। जब इन सबका एक घोल प्रिपेयर हो जाता है तो एक स्टिकी फॉर्म में आ जाएगा, तो जब तो ये आपके फेशियल हेयर के साथ चिपक जाएगा, जिससे बाल आपके अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे होंगे, आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए। उसके बाद फिर आपने इसको अपने बॉडी के ऊपर लगाना है। जब भी आप नहाने जाते हो, नहाने से 15-20 मिनट पहले आप इसको लगा सकते हैं। आपको इसको डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको वीक में 2 बार लगाते हैं, 2-3 दिन छोड़ के आप इसको हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाएं, तो आप नोटिस करेंगे ना, तो इससे आपके फेशियल हेयर की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, आपके फेशियल हेयर है वो जड़ से रिमूव होने लग जाएंगे। लेकिन इसको रिमूव कैसे करना है इस मास्क को, वो आप प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को। इसको आपने अपने बालों की डायरेक्शन में लगा लेना, अच्छे से आपने मोटी सी लेयर लगा लेनी है इसकी, कि जब ये आपका पैक जो है वो ड्राई हो जाएगा, कम्प्लीटली आपको ड्राई नहीं करना है। जब थोड़ा आपका ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने बालों की ओपोजिट डायरेक्शन में हल्के हाथों से रब करते हुए इसको रिमूव कर देना है। जब आप ऐसे रब करते हो, रिमूव करते हैं ना, तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे से महीन से बाल है वो एकदम से रिमूव हो जाते हैं। जब आप इसको मसलते हुए रिमूव करते हैं तो इससे आपके जो अनवांटेड हेयर है, शरीर के जो अनचाहे बाल है, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, रीग्रोथ बड़ी लेट होती है। जब आप इसका कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो आपके जो बाल हैं वो जड़ से हटने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, आपको इसको कंटिन्यू ट्राई करना होगा। कम से कम 4 से 5 महीने इसको कंटिन्यू ट्राई करें। हफ्ते में 2 बार नहाने से पहले आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद आप बिल्कुल ऐसे ही आपको रिमूव करना है। इससे आपके बाल तो हैं वो जड़ से हटने लगते हैं, साथ ही साथ आपको मिलती है सॉफ्ट, क्लियर और ब्राइट स्किन।
इससे आपके जो भी स्किन से डेड लेयर है, जो छोटे छोटे से महीन से बाल हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। आपका जो स्किन है पहले से आपको काफ़ी ब्राइट लगती है। कंटिन्यू अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके जो बाल हैं शरीर से वो भी हटने शुरू हो गए हैं, रीग्रोथ का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया है, साथ ही साथ आपकी जो स्किन है वो पहले से काफ़ी ब्राइट होने लगी है। बहुत अच्छा तरीका है, नेचुरल है, आपकी स्किन के लिए सेफ है, इसे आप ट्राई ज़रूर करना। तो ये बहुत ही आसान तरीका था बॉडी से हेयर को रिमूव करने का। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, आपकी स्किन के लिए सेफ है, टीन एज में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, रिजल्ट आपको इसका थोड़ा सा जल्दी नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि दो चार बार लगाने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, क्योंकि जो फेस के हेयर होते हैं वो जो बॉडी के हेयर होते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। फेस के हेयर इतने ज़्यादा मोटे हार्ड नहीं होते हैं जितने बॉडी के होते हैं, इसलिए उनको जड़ से हटाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन जो नेचुरल तरीके होते हैं टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज़रूर होते हैं, टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट इनके काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, रेगुलरली इसको यूज़ करना होगा, तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर करते जाना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।